हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स फॉर नेक्स्ट वीक। तो क्रूड ऑयल फ्यूचर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुए 6921 पे, लगभग 122 रुपीस गेन के साथ 1.8% अप। तो यहाँ हम एनालाइज करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस महीने भी क्रूड ऑयल जो है तो अच्छे खासे गेन दिखा रहा है, लगभग 5.5% अप ट्रेड हो रहा है। पर ये तीसरा महीना रहेगा क्रूड ऑयल के लिए अगर ये पॉजिटिव में क्लोज होता है तो। पिछले महीने हमने लगभग 17% की रैली देखी थी, लगभग 1000 रुपीज अब बंद हुआ था। अभी यहाँ जो है तो ऑलरेडी फॉलो अप बाइंग आ रही है, और यहाँ जो है तो लॉन्ग टर्म के जो टारगेट थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। पहला जो टारगेट था हमारा वो 6300 का था, दूसरा टारगेट 7000 का था। और ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल जो है तो जिस तरह से रशिया और यूएस के बीच में टेंशन है और यूक्रेन का संकट है, उसकी वजह से शायद हमें 8200 के जो टारगेट है वो भी जल्द ही अचीव होते हुए दिखेंगे। और वहाँ जो है तो शायद क्रूड ऑयल टॉप आउट हो सकता है। अगर 8200 के ऊपर जाता है, यहाँ उतना तो डेटा नहीं है शायद, यस यहाँ डेटा नहीं है उतना, हमें NYMEX का चार्ट देखना पड़ेगा उसके लिए। वन सेक, WTI फ्यूचर्स में जाते हैं तो ऑयल फ्यूचर, तो यहाँ भी इतना डेटा नहीं है शायद, तो यहाँ भी इतना डेटा अवेलेबल नहीं है। मगर उसका जो ऑल टाइम हाई है वो शायद $145-140 के अराउंड है, शायद वो ब्रेंट क्रूड का होगा। तो उसको भी एक बार देखते हैं ब्रेंट क्रूड है किधर। ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स कंटिन्यूस इन फ्रंट, और देखते हैं, यस तो ब्रेंट का आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई जो है वो है लगभग 126 डॉलर का है। तो हम उस हाई के तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो है तो अपना जो क्रूड ऑयल है ये इसी प्राइस को ट्रैक करता है, ब्रेंट क्रूड ऑयल को। हम जो है तो WTI को ट्रैक नहीं करते हैं मोस्टली, जो है तो ब्रेंट के लिए ब्रेंट को ट्रैक करता है। और वहाँ जो है तो हम ऑलरेडी $95 पे ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 125-126 का भी लेवल जो है तो आ सकता है। और उसके अगर ऊपर जाते हैं तो फिर एक हम अनचार्टेड टेरिटरी में जाएंगे, वहाँ ज़्यादा देर सस्टेन नहीं हो पाएगा। मगर अगर अनचार्टेड टेरिटरी में जाते हैं तो हो सकता है कि 150 से उसके ऊपर के भी लेवल आ सकते हैं अगर क्रूड ऑयल के लिए दिक्कत रही तो। तो यहाँ जो है तो इसके लक्षण जो है तो पूरे बुलिश है, इसमें शॉर्ट रहना बिल्कुल जायज़ नहीं होगा, और इसमें बाइंग के ही मौके ढूंढने चाहिए जिस तरह से इसमें मोमेंटम बिल्डअप है। तो यहाँ मंथली चार्ट पे मुझे लगता है कि अगर 7000 का लेवल टूटता है और उसके ऊपर जाता है तो आपको स्विंग टारगेट रखना चाहिए आपका 8200 का। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे जो है तो जिस तरह से चार्ट और प्राइस पैटर्न है और इंडिकेटर पैटर्न है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस नाउ ऑन हाईवे। तो यहाँ से सीधा इतना मोमेंटम रहेगा कि जो भी डिप्स आएगा शायद उसको मार्केट हाथों हाथ ले लेगा। और यहाँ जो है तो हम जा रहे हैं 8200 के लेवल की तरफ। तो यहाँ दोनों ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुके हैं, 7000 का भी टारगेट लगभग क्रूड अचीव कर चुका है। और जैसे हम उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग देंगे 8200 के टारगेट के लिए आपको रेडी रहना है। इसमें थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, और यहाँ वोलेटिलिटी की वजह से कभी कभी स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकते हैं क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो पे चलेगा। अभी यहाँ से डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस महीने के लिए जो टारगेट थे लगभग 6650 और उसके बाद में जो था 6950, ये दोनों अचीव हो चुके हैं। अभी इसके 6950 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो 7400 के टारगेट के लिए आपको क्रूड ऑयल में लॉन्ग पोजीशन बनानी है, और ये रहेगा मेरा अगले वीक के लिए टारगेट 7400। मगर यहाँ आपका कंडीशन एक रहेगी कि उसको 6950 के ऊपर बंद होना होगा कैंडल जो है। तो अगली कैंडल जो मंडे की कैंडल है वो अगर 6950 के ऊपर क्लोज होती है तो आपको जो है तो एक 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजिशन बना सकते हो क्रूड में। और यहाँ जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 7400 का। तो 7400 के ऊपर निकलते हैं तो हम सुपर बुलिश ट्रेंड में चले जाएंगे, और उस सिनेरियो में टारगेट रहेगा 8200 का।
तो यहाँ जिस तरह से पोजीशन बन रही क्रूड में, हमने बीच में यहाँ करेक्शन देखा था इस हफ्ते जो है, आप देख सकते हो कि 3 दिन करेक्शन देखा था, मगर नीचे से फिर से अच्छी खासी बाइंग आई और यहाँ जो है तो हमने जो गैप अप ओपनिंग दी थी उसको फिलअप करके फिर से क्रूड ऑयल जो है तो उसका जो प्राइमरी ट्रेंड है उसको रिज्यूम कर लिया है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये शायद कई दिनों तक और कई हफ्तों तक चलेगी और यहाँ न्यूज़ फ्लो भी पॉजिटिव है क्रूड के लिए, तो हम लॉन्ग ही रहना पसंद करेंगे। शॉर्ट साइड में इंट्राडे में कर सकते हो, मगर उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना है और यहाँ वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, तो वो भी आपको बात ध्यान में रखनी है। तो स्टॉप लॉस डीपर रहेंगे, इसलिए पोजीशन साइज कम कर लीजिए और आप जो है तो क्रूड में पोजीशन बना सकते हैं 7400 के लिए अगर ब्रेकआउट आता है तो, और उसके ऊपर जाता है तो 8200 के टारगेट रहेंगे हमारे लिए। तो ये जो है तो ऑलरेडी मैंने कहा था कि 7000 का टारगेट आएगा, मगर जिस तरह से अभी ये रैली बन रही है और जिस तरह से बाकी सीनेरियो पैन आउट हो रहा है, तो हम जो $126 का जो ब्रेंट में हाई था, तो हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में, अभी $95 पे हैं। 126 माइनस 95, ये हो गया $31, $31 डिवाइड बाय, तो ये हो गया 32% था, अपन 33% पकड़ लेते हैं क्योंकि अपने यहाँ जो USD INR का भी उसमें इक्वेशन बैठता है, तो 6921 प्लस 33%, तो ये आता है 9200। तो जिस तरह से मैंने कहा कि 8200 के ऊपर अगर क्रूड जाता है तो हम 9000-9500 के भी लेवल देख सकते हैं। हो सकता है कि अगर वॉर फुल फ्लेश में शुरू हो गया US और रशिया का, तो 10,000 का भी लेवल यहाँ देखने को मिलेगा, वो जो है तो वो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा एज अ सेंटिमेंट वाइज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो कंपनीज अपने हमें पास कर देती है जो भी रेट्स रहते हैं, मगर जो उसके वजह से जो सेंटिमेंट का ख़राब होगा वो जो है तो शायद, और इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है US में और वो इंडिया में भी ट्रिगर होगा शायद, इसके वजह से थोड़ी देर के लिए का होना, थोड़ी दिनों के लिए सही वो जो है तो ट्रिगर कर सकता है, तो उसकी वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट इक्विटी मार्केट में क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ जो है तो हमारे जो टारगेट बनते हैं, हमने देखा 7400, उसके बाद में 8200, और यहाँ जो है तो 9200 के भी सुपर बुलिश टारगेट बन सकते हैं एक्सट्रीम सिनेरियो में, तो आपको ये लेवल्स ध्यान में रखने हैं और यहाँ लॉन्ग साइड के ही ट्रेड ढूंढने हैं आपको विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।